सो फाइनली स्टूडेंट इग्नू ने रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट जारी की है। आज की इस वीडियो में इसी पर बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि कितने सब्जेक्ट्स का आपका रिजल्ट अपडेट हो चुका है, कितने परसेंट रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट की जो फाइनल अपडेट है वो कब तक आ जाएगी, यानी कि आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो कब तक रिलीज कर दिया जाएगा इग्नू की ओर से। आज की इस वीडियो में बने रहें, सभी इन्फॉर्मेशन दूंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पे इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आई स्टूडेंट बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट को लेकर। देखिए इग्नू ने रिजल्ट की कई सारी अपडेट्स, जैसे कि आपको पता है 1-to-1 करके आपकी रिजल्ट की अपडेट्स जारी की जा रही हैं। अब रिजल्ट की अपडेट में इश्यूज़ क्या हैं वो समझ लीजिए, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट का कंप्लेंट क्या है कि सर हमारे साथ में मेरे फ्रेंड ने दिए बट उसका रिजल्ट आ गया, मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो इसको लेकर भी कई सारे इश्यूज़ है, तो ऐसा हो क्यों रहा है। देखो इसमें 2-3 वजह हैं, एक तो है इनरोलमेंट नंबर वाइज भी आपके जो रिजल्ट है उसे अपडेट किया जा रहा है। कई सारे सेंटर्स पे एवल्यूशंस जो चेकिंग है उसके बाद में भी कई सारे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपका जो सब्जेक्ट्स के पहले हुए उनको बहुत ज़्यादा डिले किया गया, जैसे कई सारे सब्जेक्ट हमने BSC कैलकुलेट किया तो उसमें देखने को मिला कि जो पहले पेपर हुए उनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए, लेकिन जो रिमेनिंग पेपर हैं जो बाद में हुए हैं उनके रिजल्ट अपडेट कर दिए। तो यहाँ पे इश्यूज़ जो हुए हैं वो एवोल्यूशन सेंटर की ओर से हुए हैं, अब वहाँ पर चेकिंग हो रही है, उसके बाद में SED को जो मार्क्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा समय लग रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि कितने परसेंट रिजल्ट आ चुका है, तो अभी के अराउंड आपका 55% और 50% यानी कि लेस देन 60% रिजल्ट अपडेट हो चुका है इग्नू की ओर से जून 2022 के टमेट एग्ज़ाम का। वहीं दिसंबर 2021 के टमेट एग्ज़ाम की बात करें तो इसका लगभग 90% से ज़्यादा रिजल्ट अपडेट कर दिया गया है इग्नू की ओर से, कुछ 1% रिजल्ट बाकी है वो भी एक एक करके अपडेट्स में किया जा रहा है। वैसे तो एज़ पर इग्नू की माने तो इसमें कहा जाता है कि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उससे पहले ही आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा, बट जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिसंबर 2021 के टमेट एग्ज़ाम की जो लास्ट अपडेट हमें देखने को मिल रही है 4 तारीख की है, 4 अक्टूबर की, और इससे पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं जून 2022 के। एज़ पर रूल इग्नू को जून 2022 के एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट अपडेट करना था बट नहीं हुआ, अभी भी रिजल्ट की अपडेट हमें देखने को मिल रही हैं। जनरल प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ तो आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले यानी कि नवंबर तक फाइनल अपडेट जहाँ तक संभावना लग रही है, बिकॉज इस बार आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भी टाइम पर आ चुका है, जैसे कि संभावना थी कि एग्ज़ाम फॉर्म भी डिले होगा बट सिचुएशंस अभी की जो हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि चीज़ें टाइम पर होना स्टार्ट हो गई हैं, तो हो सकता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो नवंबर में फाइनल अपडेट आ जाए। बाकी जिन भी स्टूडेंट को रिज़ल्ट को लेकर इश्यूज़ है, जैसे फाइनल ईयर स्टूडेंट जिनको आगे अप्लाई करना है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि अगर आपका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया तो ये करना है, प्रोसीजर आपको बताया है कहाँ पे क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप देखिए उसे और फॉलो करिए ताकि आपका जो रिज़ल्ट में इश्यूज आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाए और आपका रिज़ल्ट जल्द से जल्द अपडेट हो जाए। सो क्या यार आज की इस वीडियो में अपना ही, उम्मीद है आपको सभी अपडेट्स मिल गई, कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, कॉल फॉर ऐप के लिए कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर अपने डाउट क्लियर आउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।